ओवरऑल लुक एक नंबर है, और ख़ासकर इसका ये वाला जो प्लेन कलर में आ रही है आजकल, ब्लैक सिल्वर, ये वाला कलर शाइनिंग में। तो देखते हैं क्या क्या गाड़ी में स्पेशल फीचर बताता हूँ। फीचर के नाम पर तो कुछ नहीं है, थोड़े बहुत है लेकिन बढ़िया है। बताता हूँ क्या है इसमें गाड़ी में। एक तो ये i3s नई रहती है तब काम का है, फिर कुछ मतलब नहीं। हाँ ये चीज़ है, ये बढ़िया चीज़ है, किक नहीं लगानी पड़ती। यहाँ चाबी वगैरह ये तो सबको पता है। हाँ इसमें ये नई चीज़ है, यहाँ पे जो है ये पावर का सॉकेट है। मैंने तो आज तक कभी करी नहीं है चार्जर, अपना मोबाइल वैसे फुल रहता है। ये इसकी लाइट के कंट्रोल, लाइट तो इसकी 24 घंटे चालू ही रहती है, बंद होने का नाम ही नहीं। इससे बस हाई बीम और लो बीम है। इंडिकेटर, हॉर्न और क्या है गाड़ी में बताने लायक। तो यार स्प्लेंडर तो राजा है यार गाड़ियों का, स्प्लेंडर जैसा तो कुछ है ही नहीं। स्प्लेंडर में तो बिना बताए ले सकते हैं, इसमें आजकल तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई। ये देखो वायर का जंजाल, पहले इतना कुछ नहीं आता था, अभी तो वायर वगैरह इंजन में वायर, सब जगह वायर ही वायर। ये i3s टेक्नोलॉजी का लोगो, i3s का लोगो। और क्या है फीचर गाड़ी में, टॉप मॉडल एलॉय व्हील वगैरह सब लगा हुआ है। हाँ आजकल यहाँ पे इस सिंपल मीटर की जगह डिजिटल मीटर आ रहा है, मुझे तो कुछ खास नहीं लगा, मेरे को ये बढ़िया लगता है। स्प्लेंडर ओल्ड लुक, इसी से जमती है यार ये गाड़ी, नया भले कितना भी आ जाए। और ये चीज़ इसकी, ये प्लेन, ये मस्त लगती है। वहाँ छोटी सी लाइट बना दी, मेरे को तो कुछ अच्छी नहीं लगती भाई साहब, बेकार। आप सबकी अपनी अपनी पसंद है खैर। तो या लाइट चालू ही रहती है सुतल की, देखो चेंज बस चेंज होगी, हाई बीम लो बीम, लो बीम हाई बीम, कोई मतलब नहीं। गाड़ी एक नंबर, गाड़ी की आवाज़ सुनो।